डेमी सेक्सुअल्स के बारे में आज थोड़ी बातचीत करूंगा। डेमी सेक्सुअल पर्सनैलिटी होती है, ये एक टाइप ऑफ सेक्सुअल पर्सनैलिटी है कि ये लोग ज़्यादातर पहले इसमें सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनको सेक्स अट्रैक्शन रहता है मगर उनके लिए पहला प्रिफरेंस रहता है इमोशनल अट्रैक्शन या इमोशनल कनेक्शन। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि जो महत्व देते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन को, इमोशनल कनेक्टेडनेस हुआ, फ्रेंडशिप हुई, हार्ट टू हार्ट टॉक हुआ, एक दूसरे को समझे, तो फिर उनको बाद में सेक्स ड्राइव आ सकता है या सेक्स की इच्छा हो सकती है। ये लोगों को लुक्स इतना मैटर नहीं करता, ना उनको सेक्स मैटर नहीं करता, उनको मैटर करती है इमोशनल रिलेशनशिप्स। तो फिर ऐसा बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की की शादी हो गई कोई लड़के के साथ में और वो डेमी सेक्सुअल है, मतलब वो अभी कनेक्ट हुआ ही नहीं है सेक्सुअली, वो लड़की के साथ में मतलब अपनी पत्नी के साथ में सेक्सुअली कनेक्ट हुआ ही नहीं है। और यदि वो लड़की अधीर है, उसको धीरज नहीं है, उसको लगता है कि नहीं भी नई नई शादी हुई सेक्स करना चाहिए, तो ये मैरिज पूरा फ्लॉप हो जाएगा। यदि उसको लड़की को ऐसा मालूम पड़ा कि अपना हस्बैंड जो है वो डेमी सेक्सुअल है, पर्सनैलिटी वाइज ही इज अराउजेबल, सेक्सुअल ड्राइव है मगर सेक्सुअली ड्राइव जो है उसका वो सिर्फ इमोशनल कनेक्टेडनेस के बाद में ही आता है, तो लड़की को पहले उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छी बनानी होगी, इमोशनली कनेक्टेड होना पड़ेगा, उसकी केयर करनी होगी, एक दूसरे को करीब बहुत आना होगा, हार्ट टू हार्ट वो मिलते हैं तभी बाद में वो सेक्सुअली अट्रैक्शन मतलब उनका हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो यदि आपका हस्बैंड डेमी सेक्सुअल है तो आपको धीरे से काम लेना पड़ेगा, बहुत डिमांडिंग नहीं रखने का है और इमोशनल कनेक्टेडनेस को बहुत ज़्यादा महत्व देने का है। ये भी आपको अच्छा लगे लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।